कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वैक्सीन को विदेश भेजने के सवाल उठाने वाले पोस्टर को लेकर सरकार को खुली चुनौती दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि मुझे भी गिरफ्तार करो। दिल्ली में इस तरह के पोस्टर लगाए जाने को लेकर दिल्ली पुलिस ने अलग अलग इलाकों में 17 FIR दर्ज कर 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मुद्दे पर राहुल को अपनी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी का भी समर्थन मिला है। पीएम मोदी से सवाल करने वाले पोस्टर मामले में हुई गिरफ्तारी को लेकर प्रियंका गांधी ने भी अनोखे तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया है। प्रियंका गांधी ने इस पोस्टर को ही अपना ट्विटर हैंडल का प्रोफाइल फोटो बना लिया है। इससे पहले कोरोना वैक्सीन के संबंध में राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वैक्सीन विदेश भेजने संबंधी सवाल उठाने वाले पोस्टर चिपकाने के मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने शनिवार बताया कि गुरुवार पुलिस को पोस्टर के बारे में सूचना मिली, जिसके बाद जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। शिकायतों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने विभिन्न जिलों में 17 FIR दर्ज की गई। ये पोस्टर शहर के कई हिस्सों में लगाए गए। इन पर लिखा था, मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, अभी यह पता लगाने के वास्ते जांच चल रही है कि किसके कहने पर शहर के विभिन्न स्थानों पर ये पोस्टर लगाए गए और इसके अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।